गुड मॉर्निंग बच्चों, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो कनेक्शन किया जाता है उस कनेक्शन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थ्री पिन इंडक्शन मोटर में जितने प्रकार का कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थ्री पिन इंडक्शन मोटर में तीन वाइंडिंग होती है जो एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल पर वाइंडिंग की जाती है। जो तीन वाइंडिंग होती है वो कितने डिग्री के एंगल पर होती है, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होती है। तो हम लोग मानते हैं कि ये तीन वाइंडिंग है ये मोटर का, इंडक्शन मोटर का थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग है। पहला वाइंडिंग है W1 और W2। पहले छोर को हम लोग W1 से सूचित किए, दूसरे छोर को W2 से सूचित किए। दूसरा वाइंडिंग है U1 और दूसरे छोर को U2 से सूचित किए। तीसरा वाइंडिंग है V1 और दूसरा छोर जो है V2। मतलब तीन वाइंडिंग दिया गया है, दिखाया गया है कि मोटर में कितना वाइंडिंग है। ये तीन वाइंडिंग है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम लोग जो तीन वाइंडिंग का जो छोर निकलता है वो तीन इधर छोर हो गया और तीन इधर टर्मिनल, मतलब तीन टर्मिनल इधर और तीन टर्मिनल इधर। टोटल मेरे पास 6 टर्मिनल है जो यहाँ पर दर्शाया गया है, U1, V1, W1, W2, U2 और V2। मतलब टोटल कितना टर्मिनल दर्शाया गया है, 6 टर्मिनल। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग करने के बाद जो टर्मिनल की संख्या होती है वो 6 संख्या होती है, 6 टर्मिनल होती है। अब वो जो 6 टर्मिनल वाइंडिंग को जो निकलते हैं वो वाइंडिंग से निकलने के बाद उसको हम लोग कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन कितने प्रकार से करते हैं, तो दो प्रकार का कनेक्शन होता है, एक डेल्टा और एक स्टार, या बोल सकते हैं एक स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। तो ये जो हम लोग बनाए हैं ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है। हम लोग देखेंगे कि स्टार कनेक्शन किस प्रकार करते हैं और डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले स्टार कनेक्शन को देखते हैं। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्टार कनेक्शन है यहाँ वाइंडिंग का जो तीन टर्मिनल है एक स्थान पर शॉर्ट कर दिया गया है, मतलब एक स्थान पर तीनों टर्मिनल को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यह जो यहां जोड़ने के बाद जो करंट होती है, जो धारा होती है, वो यहां शून्य हो जाती है। जो वाइंडिंग का 6 टर्मिनल है उसमें से तीन टर्मिनल, तीनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल लेकर तीनों टर्मिनल को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। जब तीन टर्मिनल
शॉर्ट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर जो तीन टर्मिनल बचेगा वाइंडिंग का उसमें हम लोग क्या करते हैं सप्लाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीन वाइंडिंग मानिए, वाइंडिंग वन, इसको वाइंडिंग वन, वाइंडिंग टू और वाइंडिंग थ्री, ठीक है। तीन वाइंडिंग है, पहला छोर यहाँ है वाइंडिंग का, दूसरा छोर यहाँ है, इस वाइंडिंग का पहला छोर यहाँ, दूसरा छोर यहाँ, और इस वाइंडिंग का पहला छोर यहाँ और दूसरा छोर यहाँ। अब इसको हम लोग पहले स्टार कनेक्शन करेंगे। तो स्टार कनेक्शन में करना क्या है कि जो छह टर्मिनल है उसमें से तीन टर्मिनल, तीनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल लेकर शॉर्ट कर देना है। तो देखिए यहां से हम इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल लिए, इसमें शॉर्ट कर दिए, फिर एक इससे लेकर इसमें शॉर्ट कर दिए, मतलब ये तीनों वाइंडिंग से एक एक छोर जो था उसको लेकर क्या कर दिए शॉर्ट कर दिए। ये मेरा जो हो गया स्टार कनेक्शन हो गया, जो इस प्रकार से यहां दिया गया है। यहां भी देखिए वाइंडिंग का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए ये शॉर्ट है, यहां से इस टर्मिनल का एक छोर लेकर कनेक्ट जोड़ दिया गया है और यहां से एक टर्मिनल का एक छोर लेकर जोड़ दिया गया है। यहां भी वही किया गया है, ये टर्मिनल का एक छोर लिए, इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल लिया गया, इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल और इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल, और ये तीनों को क्या किया गया शॉर्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार मेरा कौन सा कनेक्शन यह हुआ स्टार कनेक्शन, ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन। देखिए यहां पर आपको छह टर्मिनल दर्शाया गया है, मोटर का छह टर्मिनल यहां दर्शाया गया है, E1, V1, W1, W2, U2 और V2। तो इसको हम लोग कौन सा बनाएंगे स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां और ये तीनों को शॉर्ट कर देंगे और यहां पर ये टर्मिनल जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे सप्लाई दे देंगे। इसमें हम लोग सप्लाई देंगे L1, L2 और L3 और यहां पर ये टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए। ये मेरा हो गया आपका स्टार कनेक्शन और यहां से सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार हम लोग मोटर में स्टार कनेक्शन करते हैं, थ्री फिंग इंडक्शन मोटर में स्टार कनेक्शन करते हैं, ठीक है। छह टर्मिनल जो वाइंडिंग का निकलता है उसमें से प्रत्येक वाइंडिंग में से एक एक छोर लेकर शॉर्ट कर देना है, तो वो स्टार कनेक्शन हो गया। अब हम लोग डेल्टा कनेक्शन देखेंगे, तो इसको लेके डेल्टा कनेक्शन बनाना है। तो हम लोग देखेंगे डेल्टा कनेक्शन, तो मोटर का तीन यहाँ वाइंडिंग दिया गया है और इस वाइंडिंग को कौन सा कनेक्शन बनाना है डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए क्या करेंगे, एक वाइंडिंग का दूसरा छोर दूसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ देंगे, एक वाइंडिंग का दूसरा छोर दूसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ेंगे और दूसरे वाइंडिंग के दूसरे छोर को तीसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ देंगे और ये जो है तीसरे वाइंडिंग के दूसरे छोर को पहले वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ेंगे। ये मेरा कौन सा कनेक्शन हुआ स्टार कनेक्शन और सप्लाई देना होगा। तो यहां से L1 यहां पर मतलब सभी तीन टर्मिनल निकाल देंगे और यहां से हम लोग L1 L2 और L3 सप्लाई दे देंगे। तो ये आपका कौन सा कनेक्शन हुआ डेल्टा कनेक्शन, मतलब ये जो है पहले वाइंडिंग का दूसरा छोर दूसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ दिया गया, उसके बाद दूसरे वाइंडिंग के दूसरे छोर को तीसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ दिया गया और तीसरे वाइंडिंग के दूसरे छोर को पहले वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ दिया गया और उसके बाद ये
तीनों टर्मिनल से हम लोग वायर निकाल के मोटर में सप्लाई दे दिए, वाइंडिंग में सप्लाई दे दिए। तो इस प्रकार जो मेरा कनेक्शन हुआ इसको बोलेंगे डेल्टा कनेक्शन, जो आपको यहाँ इस प्रकार किया गया है। अब ये मेरा मोटर का 6 टर्मिनल है। अब ये 6 टर्मिनल पर हमको डेल्टा कनेक्शन करना है। तो देखिए इसको, यहां से इसमें जोड़ दीजिए, ये सामने सामने जोड़ दीजिए, आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। और इसके बाद इसमें सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। इससे इसमें जोड़ दिए, इससे इसमें जोड़ दिए, और इससे इसमें जोड़ दिए, और इसके बाद सप्लाई दे देंगे। ये मेरा डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कनेक्शन 2 प्रकार का होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन हम लोग इस प्रकार से यहां देखें कि स्टार कनेक्शन में जो वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग जो होती है मोटर का, और जो 6 टर्मिनल होता है, तो तीनों वाइंडिंग में से एक एक टर्मिनल लेकर उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, तो मेरा स्टार कनेक्शन बन जाता है। और डेल्टा कनेक्शन में हम लोग देखें कि डेल्टा कनेक्शन में जो 6 टर्मिनल निकलता है वाइंडिंग का, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो प्रथम वाइंडिंग का सेकेंड छोर था, सेकेंड वाइंडिंग का पहले छोर से जोड़ा गया था, और सेकेंड वाइंडिंग का दूसरे छोर को तीसरे वाइंडिंग के पहले छोर से जोड़ा गया था, और तीसरे वाइंडिंग के दूसरे छोर को पहले वाइंडिंग के छोर से जोड़ा गया, और तीनों टर्मिनल से वायर निकाल कर सप्लाई दे दिया गया, जो यहां पर इस प्रकार किया गया था। तो आज हम लोग देखें कि इस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 तरह का कनेक्शन करते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको मोटर इस कनेक्शन को मोटर में करके और चलाएंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौरे की चोट, जब तक ना पड़े हथौरे की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसका मतलब आप लोग निकाल के समझ लीजिएगा, ये आसान है, इसका मतलब आप लोग निकाल के समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्शन में जो 2 प्रकार का कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको मोटर में कनेक्शन करके चलाकर देखेंगे। थैंक यू बच्चों।